आगे देखो सिर्फ डेजर्ट और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तो अभी हम लोग क्रॉस करेंगे जेब्रा क्रॉसिंग, बट वाटर जेब्रा क्रॉसिंग। बीइंग ए बंगाली कितना मच्छी का कातिल कर चुके हो तुम, और अभी एक छोटा सा मच्छी का गम बनाते हो। हैप्पी न्यू ईयर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको लेके आए हैं लव लेक। तो चलो अभी ज्यादा बातें नहीं करते, ओके? अभी चल के ये पूरा लेक विजिट कर लेते हैं, बातें तो बाद में भी होती रहेगी। तो आप लोग भी साथ में रहिए, देखिए कहाँ से जाना पड़ता है, कैसा रोड है एंट्री का, और कितना ऑफ रोड में ड्राइव करना पड़ता है, ड्राइव के टाइम में कैसा रोड है, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। चलिए चलते, देखिए पूरा वीडियो, आपको पूरा लव लेक का आइडिया हो जाएगा। लव लेक ऑन आवर राइट साइड, सो लेट्स गो टू लव लेक। रास्ते की हालत तो बहुत खराब है, ऊपर खाबो रोड है, साइकिलिंग मोटरसाइकिलिंग नॉट अलाउ, हॉर्न नॉट अलाउ, ड्रोन नॉट अलाउड। 6.7 किलोमीटर्स। वाव, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पर यहाँ पे भी जो ट्री है ना, इसमें भी पानी पहुँचाने के लिए पाइपलाइन है। पाइपलाइन है, हाँ। कितना वेल मेंटेन करके रखा है, देखो एकदम डेजर्ट के अंदर से है ये रास्ता। डेजर्ट सफारी। खुद लग रहा है, खुद ही डेजर्ट सफारी कर रहा है। नहीं, ये कैमल का ही पैरों के निशान लग रहे हैं। हाँ, कैमल में, घोड़े में। हाँ हाँ, ये देखो कैमल, कैमल कैमल के पैरों के निशान है। और यहाँ पे ऑफ रोड में गाड़ी भी जा गया है भाई, जिसके पास 4x4 बड़ा गाड़ी है वो लेके जाएगा आराम से। हाँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है यहाँ से जाने में। डर कुछ नहीं है, रास्ता इतना खराब है। बीच रास्ते में अगर टायर गया ना, इस गर्मी में टायर चेंज करने में एकदम दोनों के तो हालत हो जाएंगे, दोनों का फट जाएगा। आगे देखो सिर्फ डेजर्ट और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और यहाँ पे जीपीएस सिग्नल भी लॉस्ट है, जीपीएस सिग्नल भी नहीं चल रहा। लव लेक, फ्लेमिंगो लेक, बर्ड्स व्यू प्लेटफॉर्म्स। ओह माय गॉड, 19 किलोमीटर बर्ड्स व्यू प्लेटफॉर्म। वी विल गो 19 किलोमीटर ऑन दिस रोड। वी विल गो, नो वे। सो ग्रीनरी इनसाइड डेजर्ट, लाइक अ गार्डन इनसाइड द डेजर्ट। We are entering to the Love Lake. Love Lake में मेरा फर्स्ट टाइम है। ये देखो Love Lake, Love Lakes Dubai. Wow! Finally we have reached. Parking 2, Parking 1, Al Qudra Road. तो ये हम चले entrance. Yay! GPS signal lost. तो आगे Love Lake का entrance में दिखा देते हैं। Instructions for the lake: barbecue in the designated areas using charcoal only. Drone allowed नहीं है, ठीक है? कौन सोचेगा कि डेजर्ट के अंदर भी इतना अच्छा जंगल जैसा माहौल बना के रखेंगे। और ये है एंट्रेंस। अभी नो हाई हील्स। द लव लेक एंट्रेंस, यहाँ पे इन लोगों का चल के जा सकता है लगता है। वाओ, फाइनली वी कैन सी द वाटर। लेट्स गो। प्लीज़ डोंट फीड फिशेस एंड बर्ड्स। इन लोगों ने जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया है उनको फॉलो कीजिए। खाना नहीं खिलाए बर्ड्स को एंड फिशेस को। सी कैंप्स एंड टेंट्स एरिया, आप ऐसे टेंट डाल सकते हो यहाँ पे भी। कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस। See the colorful fishes. Oh shit! That scared me. पर किसी ने खाना खिलाया? इन लोगों ने खाना खिलाया या? इन लोगों ने। थोड़ा झूलते रहो और कुछ बोलते रहो। क्या बोलो, कितनी सुकून है यहाँ पे, पीसफुल, सच में पीसफुल, दुबई के क्राउड से थोड़ा दूर, बहुत दूर सुकून में, नेचुरल ब्यूटी के साथ, इतने सारे पेड़ पौधे, एकदम नेचुरल ग्रीनरी, कोई आर्टिफिशियल। वेल, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दुबई में इतना डेजर्ट के अंदर इतना अच्छा लेक कैसे है। तो एक्चुअली ये आर्टिफिशियल लेक है। आपको मैं इसका जो फ़ोटो है अपने कवर पिक्चर में देख ही लिए होंगे, ये एकदम बिल्कुल लव के शेप में इन लोगों ने बनाए हैं। पर क्वेश्चन ये है कि पानी यहाँ पर कैसे रुकता है, कि वो उब नहीं जाता है या फिर सूख नहीं जाता है। तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि इन लोगों ने, देखो पानी का नीचे आपको ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है ना, मोटा वाला रबर का शीट है जो इन लोगों ने पहले नीचे डाला है। उसके ऊपर फिर से इन लोगों ने एक लेयर सैंड या कुछ ऐसा चढ़ाया है। तो आपको नेचुरल जैसा लगेगा और पानी भी नीचे नहीं सूखेगा क्योंकि रबर के ऊपर पानी है। तो सोचो, स्मार्ट, इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा आइडिया है। कम राजहंस। तो अभी हम लोग क्रॉस करेंगे जेब्रा क्रॉसिंग, बट वाटर जेब्रा क्रॉसिंग तो यहाँ पे वो सेंटर वाला आइलैंड में जाने के लिए ये पानी को क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, प्लीज कितना बड़ा है झुंड। ये देखो, ये देखो, ये देखो, सेल्फी उठाने के लिए। हेलो फिशी, हाय, हैव अ सेल्फी विद अस। Hey fishy. No, we are doing romance and you guys are disturbing us. Oh, I'm so sorry. See that red fish is coming towards us. See, they are three, mother with two kids. देखो ये लोग इंसान देख के आता है, मतलब डरता नहीं है इंसान देख के ना। शायद कोई उसको फीड करते हैं। हाँ। कुछ लोग उनको फीड करते हैं। देखो कितना ऊपर तक आके खाना खा रहा है। मेरे पैरों में दुख रहा है और आप मजाक उड़ा रहे हो, कैसे पति हो यार। आराम से चलो। ओहो, पानी ठंडा है। कंक्रीट किया हुआ है इधर, पर स्लीपर ही नहीं है। ठीक है, वाओ, माछ पूरा कैमराটাকে কামড়াচ্ছে। তুই তো ওটাই চাইছিলি। হ্যাঁ। माय गॉड, पूरा मच्छी का झुंड है। इतना ज़्यादा कलरफुल और इतना बड़ा फिश मैंने आज तक नहीं देखा एक साथ। वाओ। वो हवा इतना अच्छा दे रहा है ना, आप देखो। ठंड के टाइम में तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, गर्मी के टाइम पे भी आपको चाहिए तो आ सकते हो, बहुत ही कूल प्लेस है। अरे इन लोगों ने क्या आग लगाया, पानी दे रहा है। ठीक है, पानी स्प्रिंकलर इतना हवा दे रहा है तो ऐसे आग के धुआं जैसा जा रहा है। हम लोग अभी जंगल महल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जंगल के रास्ते। तो अभी आ गए फिर से जूता खुलने वाला सीन। ओहो हो, फिर से ठंडा पानी, ठंडे पानी से। हाँ वो चलिए पड़ेगा, यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा है उस तरफ के हिसाब से, इस तरफ पानी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये इन लोगों का कुछ पेट्रोलिंग कार है, मेंटेनेंस टीम का कार है, वो लोग जा रहे हैं। एक छोटा सा मच्छी मर गया तो मैडम को बहुत दुख हो रहा है। बीइंग ना तो छोड़ दे सब कुछ को, सब मछली, इतना छोटा मछली तो हम खाते भी नहीं। बीइंग ए बंगाली, कितना मच्छी का कातिल कर चुके हो तुम, और अभी एक छोटा सा मच्छी का गम बनाते हो। जा रहे हैं अंदर। आपके पैरों के ऊपर पैर डाल के जाओ। आ जाओ, आ जाओ। बागी जाता होगा। पेट्रोलिंग गाड़ी जो इन लोग का है वो यहीं से जाते हैं। हाँ, एक सीटिंग एरिया ओनली, सीटिंग प्लेस ओनली। तो ये जो एरिया है ऐसा आपको कुछ मिलेगा, तो इसके अंदर आप कैंप कर सकते हो और बारबेक्यू भी कर सकते हो। तो यही है डेजिग्नेटेड बारबेक्यू एरिया। हाँ, यहाँ पे रेस्ट रूम, टॉयलेट आपको मिलेगा, मेल फीमेल दोनों सेपरेट है एंड क्लीन है। ये है अल कुद्रा लेक, मतलब लव लेक। अगर आप लोग आ रहे हो तो अल कुद्रा लेक भी ज़रूर विजिट करना। सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस में है लव लेक और अल कुद्रा लेक। लव लेक में आपको कार पार्किंग में रख के जाना पड़ेगा, सब कुछ सामान लेके बारबेक्यू वगैरह करने के लिए, पर अल कुद्रा लेक में आप गाड़ी एकदम साथ में रख के बारबेक्यू कर सकते हो। देखो कितना आदमी इधर कैंपिंग कर रहे हैं। वाओ, हम लोग भी चेयर लगा के थोड़ा बैठेंगे ना। तो गाइस, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, and please, 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 if you like our video, please give us likes and shares.